प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी चर्चा का विषय है आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का पार्ट अनकन्फर्मिटी। हिंदी में आप इसको विषम विन्यास के नाम से जानते हैं। आपके इस पेपर में, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के इस पेपर में, आपने अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में अध्ययन किया है। सबसे पहले आपने प्रिंसिपल ऑफ स्टेटिग्राफी के बारे में चर्चा की, उसके बाद आपने फोल्ड, फॉल्ट, इन सब के बारे में बात की। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है आपका अनकन्फर्मिटी या विषम विन्यास। विद्यार्थियों, जैसा कि इसके नाम से ही आपको इंगित हो रहा होगा, विषम विन्यास का मतलब है कि किसी अलग तरह का अरेंजमेंट, किसी अलग तरह की व्यवस्था, विषम व्यवस्था, जो चीज, जो संरचना हमें फील्ड में, कंटिन्यूटी में मिल रही होती हो और अचानक उस संरचना का विन्यास बदल जाए तो आप उसको विषम विन्यास के नाम से जानते हैं, समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब रॉक बेड्स के बेडिंग प्लेन आपस में पैरेलल हो, समानांतर हो, तथा उनके डिप और स्ट्राइक एक ही समान हो, तो ऐसे जो बेड्स हैं वे कन्फर्मिटी कहलाते हैं, यानी समविन्यासी कहलाते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि उनकी डिप और स्ट्राइक, यदि उनका नति और नतिलंब वो बदल जाए तो वो स्थान विषम विन्यास के नाम से जाना जाएगा, उसको आप विषम विन्यास कहते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये ए बी सी डी ये बेड है और ये समानांतर है, पैरेलल है, तो ये समविन्यासी हो गए, यानी कन्फर्मिटी हो। लेकिन अब इनकी डिप और स्ट्राइक देखिए, सबकी एक समान है। लेकिन अब आप यहां पर देखेंगे कि इनकी डिप और स्ट्राइक में आपको परिवर्तन मिलेगा, यानी और ये ऐसे जो मिलने चाहिए थे ना मिलके, ये अब इस प्रकार से आपको मिल रहे हैं कि इनकी डिप और स्ट्राइक जो है वो समान नहीं। तो जो ये पहले बनी है बैट, ये जैसा कि इंडेक्स में, ये इंडेक्स है, जैसा कि आप इस इंडेक्स में देख रहे हैं, तो ये तो है ऑर्डर और ये कहलाएंगी जो बाद में बनी है वो कहलाती है यंगर रॉक या यंगर पैड्स। तो जैसा कि आप उस डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और उनकी डिप और स्ट्राइक एक ही समान होती है, उनको आप कन्फर्मिटी या कॉन्कॉर्डेंट स्ट्राटा या अनुस्त्री स्तर के नाम से भी जानते हैं, यानी ये कॉन्कॉर्डेंट स्ट्राटा कहलाते हैं। डायग्राम में ए बी सी डी जो है वे कन्फर्मिटी है। ए बेड के प्रेसिपिटेटेड होने के बाद उसके ऊपर बी बेड प्रेसिपिटेटेड हुआ है और ठीक उसके बाद सी और जो डी बेड है वो निक्षेपित हुआ है, सबसे पहले ए फिर बी फिर सी और फिर डी बेड डिपोजिट हुआ है। सबसे पहले डिपोजिट होने वाला जो ए बेड है वो सबसे ओल्डर और ये डी जो है वो उसके बाद का
बॉन्डर हुआ। और सबसे पहले निक्षेपित जो ए बेड है, सबसे ओल्डर और उसके ऊपर निक्षेपित होने वाले या डिपॉजिट होने वाले क्रमशः नए बेड या यंगर बेड कहलाते हैं। तो इन चारों बेड्स के जो बेडिंग प्लेन है वे आपस में समानांतर है। तो इस प्रकार एक ही सेडिमेंटेशन साइकिल में डिपॉजिट हुए बेड्स जो हैं वो इंक्लाइंड या हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं और ऐसे बेड फोल्डेड और फोल्डेड या फोल्डेड भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले डिपॉजिट होने वाला जो बेड है वो ओल्डर और सबसे बाद में डिपॉजिट होने वाला जो बेड है वो यंगर बेड कहलाता है। अब इसका फॉर्मेशन क्या है, बनने का अनकन्फर्मिटी का बनने का जो प्रोसेस है उसके फॉर्मेशन का वो क्या है, इसके लिए आप ऐसा समझिए कि एक सीरीज के डिपॉजिट होने के बाद प्रेसिपिटेशन यदि कुछ टाइम के लिए, कुछ अंतराल के लिए यदि रुक जाए और उस रुके हुए अंतराल में जो रॉक यूनिट्स हैं उनका पृथ्वी की सरफेस पर वे इमर्ज हो जाए और बेड्स पर कुछ समय तक जो इरोजन है वो होता रहे और उसके बाद वो रॉक बेड या वो रॉक सीरीज जो है वो सबमर्स हो जाए और उसके ऊपर फिर अन्य रॉक सीरीज या रॉक बेड्स हैं उनका सेडिमेंटेशन होने लगे। तो पहले डिपॉजिट हुई रॉक ओल्डर और उसके बाद डिपॉजिट हुई रॉक वो यंगर रॉक कहलाती है। वह उसको आप यंगर रॉक के या नए शैल के नाम से उसको जानते हैं। जैसा कि आप उस डायग्राम में देख रहे हैं कि ए और बी और सी और डी ये जो है ये ओल्डर है और ई एफ जी एच जो है वो यंगर है। तो दो रॉक यूनिट के कॉन्कॉर्डेंट रिलेशन को आप अनकन्फर्मिटी के नाम से जानते हैं, यानी दो रॉक यूनिट के एक ये यूनिट और एक ये यूनिट, तो दो रॉक यूनिट के कॉन्कॉर्डेंट रिलेशन को आप अनकन्फर्मिटी के नाम से आप उसको जानते हैं। इस प्रकार प्लेन ऑफ अनकन्फर्मिटी, प्लेन या विषम विन्यास तल, डिपोजिशन नहीं होने वाला तल या इरोजन तल होता है। तो प्लेन ऑफ अनकन्फर्मिटी वो तल हुआ जिसके नीचे ओल्डर रॉक और ऊपर यंगर रॉक पाई जाती है। इस प्रकार दोनों रॉक यूनिट अनकन्फर्मिटी प्लेन पर संपर्क में आते हैं और यही जो संपर्क है ये अनकन्फर्मिटी प्लेन के नाम से समझा सकता है, जाना है। विद्यार्थियों अब इसके बाद आप इसके टाइप्स क्या है, अनकन्फर्मिटी के टाइप्स क्या है। तो मुख्य रूप से अनकन्फर्मिटी जो है वो चार प्रकारों की है। पहला एंगुलर अनकन्फर्मिटी, दूसरा डिसकन्फर्मिटी, तीसरा लोकल अनकन्फर्मिटी और चौथा नॉन कन्फर्मिटी। मुख्य रूप से ये चार प्रकार की ये अनकन्फर्मिटी है। इसको हम एक एक के बारे में हम संक्षिप्त में हम थोड़ी थोड़ी इनकी हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है आपका एंगुलर अनकन्फर्मिटी।
तो एंगुलर अनकंफर्मिटी में दोनों सीरीज की डिप एक समान नहीं होती, अतः दोनों के बेडिंग प्लेन आपस में पैरेलल नहीं होते और वे एक दूसरे से कोण बनाते हैं। यानी एक ये सीरीज और एक ये सीरीज, ये दो सारे इनकी जो डिप है, इनका जो झुकाव है, डिप और स्ट्राइक आपने इससे पहले की क्लासों में, इससे पहले की वीडियो में आप डिटेल से आप पढ़ चुके हैं, तो इन दोनों सीरीज की जो डिप है वो एक समान नहीं होती, ये एक कोण बनाते हुए होती है, इसीलिए आप इसको एंगुलर अनकंफर्मिटी या कोणीय विषम विन्यास के नाम से आप इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो एंगुलर कन्फर्मिटी का जो डायग्राम है, इसको देखने से आपको जो एबीसीडी सीरीज है वो ऑर्डर, और जो ईएफजीएच बेड्स हैं वे यंगर बेड्स कहलाते हैं। दूसरा है आपका डिसकन्फर्मिटी। डिसकन्फर्मिटी इसको हिंदी में अपसमविन्यास, अपसमविन्यास भी आप इसको कहते हैं। इसमें कन्फर्मिटी प्लेन के ऊपर तथा नीचे स्थित जो सीरीज है वे समानांतर होती है, इसीलिए इनको आप डिसकन्फर्मिटी के नाम से जानते हैं। यानी कि ये सीरीज और इसके ऊपर की ये सीरीज, यानी ओल्डर रॉक बेड्स की सीरीज और यंगर रॉक बेड्स की जो सीरीज है वे पैरेलल होती है, समानांतर होती है आपस में। एंगुलर में देखिए आप समानांतर नहीं होती, ये अलग विन्यास है इसका, ऊपर वाले का अलग विन्यास है, लेकिन डिसकन्फर्मिटी में ये सारी की सारी पैरेलल होती है, तो आप इस परिस्थिति को आप डिसकन्फर्मिटी के नाम से समझते हैं। तीसरा जो है आपका वो है लोकल अनकन्फर्मिटी, यानी स्थानीय विषम विन्यास, हिंदी में आप इसको बोलते हैं स्थानीय विषम विन्यास। ये भी करीब करीब डिसकन्फर्मिटी के ही समान होती है इसकी व्यवस्था भी, जैसी व्यवस्था जिस कन्फर्मिटी की होती है उसी तरह की व्यवस्था जो है वो लोकल अनकन्फर्मिटी की होती है। तो लोकल अनकन्फर्मिटी या स्थानीय विषम विन्यास भी डिसकन्फर्मिटी यानी अपसमविन्यास की भांति ही होता है। इसमें भी बेडिंग प्लेन के नीचे तथा ऊपर बेड समानांतर होते हैं। इस लोकल अनकन्फर्मिटी सीमित क्षेत्र में यानी स्थानीय रूप में पाया जाता है और ये बहुत ही कम समय में निर्मित होता है। ये मुख्य रूप से तब बनता है जब बाढ़ के समय नदी दोनों अपने किनारों तथा उसका जो तली है उसको कई मीटर की गहराई तक अपरदित कर देती है, और उसके बाद दोनों साइड और उसका जो तल है उस पर सैंड, क्ले इत्यादि जो है वो इकट्ठी हो जाती है, जमा हो जाती है, तो आप उसको लोकल अनकन्फर्मिटी के नाम से आप उसको जानते हैं, समझते हैं। इसी प्रकार से चौथा जो आपका विषम विन्यास है वो नॉन कन्फर्मिटी के नाम से जाना जाता है, नॉन कन्फर्मिटी, और यानी इसको आप कहते हैं असम विन्यास। नॉन कन्फर्मिटी यानी असम विन्यास, असम विन्यास के नाम से जाना जाता है। असम विन्यास के लिए आप कह सकते हैं कि असम विन्यास में जो ओल्डर सीरीज है, असम विन्यास में ओल्डर सीरीज इग्नियस रॉक्स द्वारा बनती है और विषम विन्यास के ऊपर यंगर सीरीज स्ट्रेटिफाइड सेडिमेंट्री रॉक अथवा लावा फ्लो द्वारा निर्मित होती है। यानी जो ओल्डर सीरीज की रॉक्स हैं, जो ओल्डर सीरीज की रॉक्स हैं वे इग्नियस इग्नियस रॉक्स द्वारा बनती हैं और ऊपर की सीरीज की
ये ऊपर की सीरीज की जो रॉक बेड्स है वे स्ट्रेटिफाइड सेडिमेंट्री रॉक्स द्वारा निर्मित होती है। जैसा कि आप इसका ये इंडेक्स देख रहे हैं, ये इसका इंडेक्स है, इस इंडेक्स में ये ग्रेनाइट यानी ग्नियस रॉक है, ये ग्रेनाइट है, ग्नियस रॉक्स, और इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं ये फिर ये सेडिमेंट्री प्रारंभ होने लग गया, ये अनकंफर्मेटिव प्लेन। तो ये तो हो गई ओल्डर और ये हो गई यंगर, ये है ग्रेनाइट का इंक्लूजन यानी आग्नेय, और इसके ऊपर फिर सैंडस्टोन, शेल, मडस्टोन और लाइमस्टोन यानी स्ट्रेटिफाइड सेडिमेंट्री रॉक्स या जो है आपका वो प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से जब आप अनकंफर्मिटी की बात करेंगे, उसके टाइप्स की बात करेंगे, तो चार तरह की अनकंफर्मिटी आप पढ़ेंगे देखेंगे। और इसके अलावा इसकी जो दूसरी क्लास है उसमें हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करें अनकंफर्मिटी को, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिनके आधार पर हम फील्ड में अनकंफर्मिटी को पहचान पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए, उसके बाद चर्चा करें। थैंक्स।